फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक सुंदरता वाला जो आप लोग चाहते हैं वीडियो यूट्यूब पर वो बनाने जा रहा हूं, वो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करें और कैसे सनस्क्रीन को, सही सनस्क्रीन को आप अपने लिए चुनें। आप लोग जाते हैं मार्केट में, खासकर फीमेल्स और बिग बाजार और ये रिलायंस फ्रेश और ये सब में जाकर जो लेते हैं डिपार्टमेंट स्टोर से या नॉर्मल दुकानों से सनस्क्रीन अपने लिए, तो बिना सोचे समझे कोई भी कंपनी के हिसाब से ले लेते हैं कि ये कंपनी अच्छी होगी वो कंपनी, लेकिन उसका एक साइंटिफिक एनालिसिस है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज पड़े हुए हैं यूट्यूब पर सनस्क्रीन को लेकर, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में, एक एक्सपर्ट एडवाइस के रूप में नहीं है, उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट को मिसिंग करते हुए हैं, तो मैं उसको आज भरने की कोशिश कर रहा हूं। इसे आज थोड़ा सा समझिए, फिर मैं आखिर में आपको ब्रांड्स ही बताऊंगा कि कौन से सर्वश्रेष्ठ ब्रांड हैं इंडियन मार्केट में, दो सर्वश्रेष्ठ ब्रांड, और अब्रॉड के मार्केट में भी बताऊंगा कि कौन से सर्वश्रेष्ठ हैं, किस किन आधारों पर सर्वश्रेष्ठ हैं, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप सनस्क्रीन चुनते हैं तो एक लिखा होता है, ये देखिए सेल्फी कैमरा है ये, मैं ब्रांड छुपाकर बोलता हूं तो आपको दिखेगा नहीं शायद, लिखा हुआ SPF। ठीक है, तो ये SPF जो होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये आमतौर पर 5 to 100 तक की क्रीम्स आ जाती हैं या लोशन आ जाते हैं, सनस्क्रीन लोशन 30 SPF आमतौर पर मिलता है। आपको कितना सन प्रोटेक्शन फैक्टर का चाहिए वो मैं बताऊंगा कब 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 चाहिए सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल धूप में रहने वाले देशों के लोगों को तो करना ही चाहिए, यदि बीच पे घूमने जा रहे हैं आप तो जरूर करना चाहिए। मैं एक बार मॉरिशस के समुद्र में हम लोग अंदर तक गए थे, स्कूटर वगैरह चलाई थी, और जब हम लौटे तो मेरे और मेरे बच्चों की पूरी स्किन खराब हो गई थी, उधर चुके थे, पिगमेंटेड हो चुके थे। तो सनस्क्रीन का महत्व क्या है, एक तो सनलाइट जो लगातार पड़ती है उससे हमारा पिगमेंटेशन कालापन आ जाएगा, पैची पैची, वो भी एक सनबर्न हो सकता है, सनबर्न की वजह से स्किन उधड़ सकती है, स्किन जल्दी बूढ़ी दिखने लगेगी यदि आपको बार बार सन एक्सपोजर हो रहा है या डीप सन एक्सपोजर हो गया। ठीक है, तो स्किन उधड़ने लगेगी। दूसरा, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पर स्किन कैंसर हो सकते हैं। आप याद कीजिए साउथ अफ्रीकन प्लेयर रोनाल्ड, यहाँ पर पूरा जो एक वाइट वाइट सा कुछ लगा के घूमता था वो क्या था, वो सनस्क्रीन थी, क्योंकि कैंसर, स्किन कैंसर सबसे पहले इस एरिया से ही ज्यादा शुरू होते हैं। तो सनस्क्रीन इन सब चीजों से आपको बचाता है, किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो कितना रखना है आपको मैं बताऊंगा। दूसरा, जो बहुत ही कम लोगों को पता है या पता ही नहीं है, वो है दो तरह की सनस्क्रीन क्रीम आती है, एक मिनरल आती है और एक केमिकल होती है, और इनमें लिखा होता है पीछे, ये जो कंटेंट्स होते हैं क्रीम्स में इनमें लिखा होता है पीछे मिनरल है केमिकल है। तो मिनरल क्रीम्स को सन ब्लॉक भी कहा जाता है। मिनरल क्रीम में दो तत्व सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जब कंटेंट देखेंगे क्रीम का, जब दुकानों पे जाएंगे तो कंटेंट्स पीछे लिखे रहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड उसमें मिला हुआ है नहीं, या टाइटेनियम ऑक्साइड मिला है कि नहीं। जिंक ऑक्साइड 20% या अप टू 25% वाली क्रीम बेहद अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में कुछ क्रीम्स में टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, तो 15% जिंक ऑक्साइड एंड 7.5% टाइटेनियम ऑक्साइड, यदि ये मिला हुआ है क्रीम में तो भी वह क्रीम अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, इन क्रीम्स में सिलिकॉन, PUFA मीन्स पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, या व्हाइटनिंग के तत्व नहीं होना चाहिए, गोरेपन का दावा करने वाली क्रीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी मिक्सचर होगा तो सन प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड, ये कहलाते हैं मिनरल क्रीम या सनब्लॉक भी कहलाते हैं। दूसरी आती हैं केमिकल क्रीम्स, केमिकल क्रीम में अल्कोहल मिला होता है, कुछ और तत्व जैसे पैराबेन वगैरह मिले होते हैं। तो केमिकल क्रीम्स और सनब्लॉक या मिनरल क्रीम्स में मैकेनिज्म में सबसे बड़ा दो अंतर ये है कि केमिकल क्रीम्स अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन जो करती हैं वो पहले एब्जॉर्ब होती हैं, आपकी स्किन में अवशोषित हो जाती हैं, और फिर वो अल्ट्रावायलेट रेस को कन्वर्ट कर देती हैं, हीट में अंदर नहीं जाने देती, लेकिन क्योंकि ये स्किन में एब्जॉर्ब हो रही हैं तो कुछ मात्रा आपकी ब्लड में भी जा सकती है, और स्किन में क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है बार बार तो स्किन में साइड इफेक्ट्स जैसे कि पिगमेंटेशन, मिलेज्मा, ये सब करवा सकती हैं, एक्ने या मुहासे, ये सब करवा सकती हैं केमिकल क्रीम्स। जबकि मिनरल क्रीम्स जो हैं परावर्तित करती हैं, ये एक तरह का मिरर सा बना देती हैं। ठीक है, मेरे पीछे है ना मिरर, तो मिरर सा बना देती हैं आपके फेस पर, तो ये मिरर जो है उन किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज में UVA और UVB प्रोटेक्शन दोनों लिखा होना चाहिए आपकी क्रीम पर, कि UVA एंड UVB दोनों से प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो वो जो परावर्तित कर रही है
अपने नैनो पार्टिकल से जो जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड के, तो आपकी स्किन पे वो अंदर ही नहीं जा रहा। तो दो एडवांटेजेस हैं, एक तो ये क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं हुई तो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, दूसरा एडवांटेज यह है कि ये इमिजिएटली असर होगी, जबकि केमिकल क्रीम को आपको लगभग लगभग 20 मिनट पहले लगाना होगा धूप में निकलने के, ठीक है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है मिनरल क्रीम या सनब्लॉक क्रीम में, वो ये है कि जब आप लगाएंगे तो आपको व्हाइट व्हाइट सा फेस दिखने लगेगा, मतलब वो पूरी तरह से अवशोषित नहीं होती ना, तो व्हाइटनिंग सा दिखेगा, तो वो थोड़ा ऑड लग सकता है। एक क्राइटेरिया और होता है, वो ये है कि वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए सनस्क्रीन, यदि किसी क्रीम में लिखा है तो अच्छी बात है। वाटर रेजिस्टेंट का अर्थ होता है कि जब आप क्रीम लगाते हैं तो पसीना आने लगेगा आपको, जिसकी वजह से वो निकल जाएगी, तो कम से कम 80 मिनट तक असर होना चाहिए आपकी सनस्क्रीन का, और वो 80 मिनट के बाद आपको हो सकता है कि रिपीट करना पड़े यदि आप धूप में घूम रहे हैं तो, ठीक है। तो ये थे कुछ क्राइटेरिया सनस्क्रीन के, तो इन क्राइटेरिया पर कौन सी क्रीम फिट बैठती है। क्राइटेरिया मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, व्हाइटनिंग के तत्व नहीं होना चाहिए, PUFA नहीं होना चाहिए उसमें, सिलिकॉन नहीं होना चाहिए उसमें, और उसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की समुचित मात्रा होना चाहिए, या फिर जिंक ऑक्साइड अकेला 20% या 25% होना चाहिए। तो चलें कुछ ब्रांड्स देख लेते हैं कि कौन से ब्रांड इन क्राइटेरिया पर सूटेबल हैं। उसके पहले मैं ये आपको वादा कर दूँ, दावा कर दूँ, जो भी आप माने, वो ये कि मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है। इन क्राइटेरियाज पर जो मुझे, मैं बहुत सारे अमेजन वगैरह पे सर्च किए कि आप लोगों को बता सकूं, तो मुझे इन क्राइटेरियाज पर जो सब सर्वश्रेष्ठ लगा वो मैं बताऊंगा। इससे मुझे कोई भी अर्निंग वर्निंग का इरादा नहीं है, ना मैं कोई एफिलिएटेड लिंक वगैरह दे रहा हूं। आप अपने हिसाब से यदि इन क्राइटेरियाज पर कोई और क्रीम नजर आती है आपको तो वो भी ले सकते हैं मार्केट में, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूं जिससे आपको सहूलियत हो, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज के साथ आपको आसान वाला नॉलेज भी तो जरूरी है। तो चलें देखते हैं कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको जो क्राइटेरियाज बताया उसमें ये क्रीम मुझे ये अमेजन पर जो मिली, जेड ब्लॉक 25% जिंक ऑक्साइड है इसमें, जैसे कि मैंने बताया था 20-25% होना चाहिए, और इसका SPF भी 58 है, और इसमें नॉन कॉमेडोजेनिक का अर्थ होता है कि मुहासे नहीं होते, ये दावा किया हुआ है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, नो एनिमल टेस्टिंग, प्रिजर्वेटिव फ्री है, और वेरी वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि पसीना आने पर भी 80 मिनट्स तक एटलीस्ट इफेक्टिव होगी। दूसरी क्रीम SPF RX नाम से आप देख सकते हैं अमेजन पर डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट स्टोर्स में। तो आपको ये जानकारी मिली, लेकिन अब बात करते हैं कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर कैसे यूज करना। तो पहला तो रिकमेंडेशन ये है कि अपने लिए मिनरल वाली सनस्क्रीन ज्यादातर यूज करें, यदि आपको बहुत चिलचिलाती धूप में निकलना हो या समुद्री इलाकों में जाना हो तो, घूमने वगैरह जाना हो तो, ठीक है। तो सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, जिन्हें सनब्लॉक कहते हैं, तो स्टोर में जब जाएं तो मिनरल वाली क्रीम को सर्च करें या दुकानदार से पूछें। SPF जो है आमतौर पर जो निकलने वाली धूप जो भारत में होती है उसमें 30 SPF की क्रीम पर्याप्त है, इससे नीचे की बहुत अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देगी। लेकिन यदि आप समुद्री इलाकों में जा रहे हैं जहां पर आपको क्या होता है कि पानी से भी परावर्तित होकर पूरी धूप आ रहा होता है आपके ऊपर, और ऊपर से भी आ रहा होता है दोनों तरफ से, तो उसकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में आपको 100 SPF तक का लेना चाहिए। ज़्यादा SPF आमतौर पर क्यों नहीं लेना है, क्योंकि महंगी पड़ेगी, आप जितना ज़्यादा SPF की क्रीम लगी उतनी महंगी होगी, एक दूसरा आपकी स्किन पर वो उतनी ही ज़्यादा दिखेगी जब आप लगाएंगे उसको, ठीक है, आप पुते हुए दिखेंगे। तो ये थी जानकारी सनस्क्रीन पर, मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी ओर से बेहद विश्वसनीय और रिसर्च बेस्ड जानकारी आप लोगों को दी है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सच को कितना देखते हैं और कितना स्प्रेड करते हैं और कितना इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र, जो क्या शुरुआत।